हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फिशर फैमिली ब्लॉग्स। तो कैसे आप सब, अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बाइक पे, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शाम्स को लेके जुपिटर हॉस्पिटल में उसका आई चेकअप कराने के लिए। मुहिर कोटारी सर है, बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट है बच्चे लोग के लिए। हम लोग को सजेस्ट किए थे ये हमारे फैमिली डॉक्टर शम्स को, जहाँ मैं लेके जाती हूँ ना अलमास हॉस्पिटल में सिद्दीकी सर, उन्हें सजेस्ट किए थे। उन्हें बोले थे ना ये बहुत अच्छे डॉक्टर है, सबसे अच्छे डॉक्टर है, तो उनके पास ही आप लोग जाना और सर्जरी कराना। तो शम्स का प्लान कर रहे हैं हम लोग सर्जरी कराने ना इसीलिए। और फिर उनका है ना एक तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिला था, बहुत लेट 20 डेज का मिला था, लेकिन जुपिटर में हम लोग को वेनेसडे का अपॉइंटमेंट मिल गया था। तो साजिद ने हॉलीडे कर दिए और हम लोग ने फिर अपॉइंटमेंट ले लिए जल्दी से और चेकअप के लिए चले। शम्स आराम से खड़ा है, शम्स को लग रहा है गाइस हम लोग उसका ऑपरेट कराने जा रहे हैं, इसलिए और थोड़ा थोड़ा सहमा सा है, लेकिन ऑपरेट कराने नहीं जा रहे, ऑपरेट नवंबर में हम लोग डेट ले लेंगे। यहाँ सब देखो ग्रीन हो गया है, ये बारिश के बाद है ना बहुत अच्छा लगता है, सब हरियाली जमा हो जाती है, हरियाली हो जाती है। क्या शम्स, तो यार शम्स पहुँच, हम पहुँच गए गाइस। ये कुछ ऐसा है जुपिटर, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई क्योंकि इधर हम लोग को पार्किंग करने साजिद को जगह नहीं मिली, तो साजिद ने मॉल में जाके पार्किंग कर दी है और अभी साजिद आ रही है। उसको बहुत धूप लग गई, बेचारा परेशान हो गया, थक गया, पूरा रेड रेड हो गया और बहुत। साजिद आ गए गाइस पार्किंग करके, शम्स भागते हुए गया, पार्किंग पूरे परेशान हो गया। तो यार सही में पार्किंग फुल है गाइस, मना करे सबको, हाँ। पार्किंग है ही। और अभी हम लोग फर्स्ट विंग में गए थे, उन्होंने बोले नेत्रालय बिल्डिंग में जाओ जो कि ये है 6th फ्लोर। ये वो इशरत, अभी यहाँ वेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे शम्स का नंबर आएगा, इधर जाना है। ये रूम में जाना है, यहाँ का आई टेस्ट होगा, उन्हीं के पढ़ाते हैं ABCD, वही वाला रहेगा शायद, और फिर डॉक्टर के पास। शम्स का रिफ्लेक्शन चेकअप हो गया है, अभी सब फाइल बन गई है उसकी। ये कुछ इस तरह का व्यू है पीछे का, इस बहुत अच्छा सा, क्या है क्या पता कोई कंपनी है कि उससे बड़ी। सो गाइज हमारे को यार 3 घंटा हो गया वेट करते करते गाइज, और अभी तक हमारा नंबर नहीं आया, कब आएगा वो भी नहीं पता, बहुत ज़्यादा वेटिंग पर है, क्या पता क्यों। यहाँ शम्स भी भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, उसका बॉर्बन बिस्किट हम लोग ने लेके आए थे जो साजिद ने बाइक में छोड़ दिए, और वो मेरी भी थोड़ी थोड़ी गलती है क्योंकि मैं भी भूल गई। इतना हेडेक हो रहा है ना और इतना इरिटेशन हो रही है ना सही में, इतना टाइम हो गया, हम लोग 12 बजे आए थे, आपको बताती हूँ सर क्या टाइम हो रहा है, 3 बज रहा है, मतलब कितना टाइम हुआ, 3 घंटे, 12 बजे नहीं आते, 12:50 को आए थे। ओ हाँ 12:50 को आए थे, मतलब तो इतना टाइम है ना, दिमाग ख़राब हो रहा है ना गाइस, नंबर आ रहा नहीं, कब से एक ही जगह पे हम लोग बैठे, देखते अभी कब नंबर आता है। फ्रेंड्स ये जुपिटर का आई सेक्शन है, ऑप्थोमोलॉजी, यहाँ पे सब आई सेक्शन होता है, यहाँ पे 3 रूम दिया गया है डॉक्टर का, तीनों पे आई टेस्टिंग होती है, डॉक्टर के रूम है यहाँ पे, वेटिंग कर रहे हैं हम लोग, अभी भी 2.5 आवर हो चुका है। इजिया शम्स बहुत बोर हो गया है, रो रहा है वो, कहाँ वाशन, ये पूरा हॉस्पिटल है गाइस। गाइस फाइनली अभी हम लोग निकल रहे हैं, अभी सर्जरी रिलेटेड क्वेश्चन थे मैंने पूछ रहा, अभी हम लोग निकल रहे हैं, यहाँ शम्स है, शम्स को बहुत भूख लगी है, बहुत टाइट हो गया है, शम्स को बहुत भूख लगी है, शम्स परेशान हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ पार्किंग में और बाइक निकालने के जा रहा हूँ, मैंने मॉल की पार्किंग में गाड़ी लगाया था बिकॉज मुझे पार्किंग नहीं मिली थी। विवियाना मॉल में आ चुके हैं, लेकिन सिर्फ बाइक लेने के लिए, क्योंकि बाइक इधर खड़ी गए हम। गाइस आप लोग ने देखे होंगे हम लोग जाके आए बहुत थक गए, हम लोग को इतना टाइम लगाना जिसकी कोई हद नहीं,
मतलब कम से कम 3-4 घंटा लगा हम लोग को डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोले शम्स को ऑपरेट कराना ही है। शम्स ग्रेड 5 में पहुंच गया, ग्रेड 3 में ही उसका ऑपरेशन होना चाहिए था। कुछ हाफ एन आवर्स का, उससे थोड़ा ज़्यादा ऑपरेशन होगा बेहोश एनेस्थेशिया देके। ऑपरेशन कराना बहुत ज़रूरी है। स्टिचेस का ऑपरेशन भी होता है और ग्लू का भी होता है, लेकिन हम लोग ने प्रीफर करे है ग्लू का ऑपरेशन कराना। तो अब देखते हैं, वो इंश्योरेंस साजिद इंश्योरेंस के पीछे भाग रहे, लेकिन इंश्योरेंस में शायद से नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अभी सबमिट करेंगे, पूरा टोटल कॉस्ट बताए कुछ 80,000 तो होगा ही, उसके अबाव भी जाएगा। तो डॉक्टर ने तो बोल डॉक्टर ने अच्छे तरह से समझाया, जुपिटर हॉस्पिटल में हम लोग उसको ऑपरेट कराएंगे। थोड़ा सा डर लग रहा है, शिवरिंग हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं सोच रही वो डॉक्टर नवंबर के थर्सडे फर्स्ट वीक में करते हैं, या तो फिर हर महीने के फर्स्ट वीक थर्सडे या लास्ट वीक थर्सडे में करते। तो हम लोग सोच रहे फर्स्ट वीक में कराएंगे, 16 से पहला ही या 16 को गाइस। तो अब देखते हैं क्या होता है। नवंबर में तो कराना है बाय हुक या बाय थ्रू, वैकेशन उसका वैकेशन स्टार्ट होता है नवंबर में, तो उसके वजह से अभी साजिद को 3-4 बार जुपिटर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। क्या पता क्या होता है, अभी हम लोग को बहुत टेंशन है गाइस। और 80,000 बेबी केयर में कुछ 70 बोले थे अबाउ ऐसा ही कुछ है 80,000। साजिद ने पूरा ले लिया, मैं फाइल आपको फिर कभी बताऊंगी। तो ये मुझे थोड़ा शूट करने मिला है, ज़्यादा शूट करने नहीं मिला। सो डॉक्टर ने ये भी बोले है कि स्क्विंट ऑपरेशन होने के बाद 55% तो नहीं होता है, लेकिन 15% है ना वापस आ जाता है स्क्विन, कभी 3 महीने बाद भी आ जाता है, कभी 30 साल बाद भी आ जाता है, और कभी 60 साल बाद भी आ जाता है। तो मैं यही प्रेयर करती हूँ कि मेरे बच्चे का वापस ना आएगा। सो तुम लोग भी यही दुआ करना, ना आए। तो ये व्लॉग यही है, ढेर सारा प्यार देना। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल इशर फैमिली व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।